नेक्स्ट हमारे पास है कैमरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर कैमरे पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कैमरा व्यू हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब अगर हम यहाँ पर कैमरा सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कैमरे की प्रॉपर्टीज वगैरह यहाँ पर आएंगी। यहाँ पर हमारे पास है टाइप, तो यहाँ पर क्लिक करने से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कैमरास के ऑप्शंस आएंगे। पर्सपेक्टिव हमारे पास डिफॉल्ट है, यानी अगर हम रियल में देखें तो हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स दूर के होंगे वो हमारे पास साइज उसका छोटा आएगा, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कैमरे के नज़दीक होंगे तो उसका साइज हमारे पास बड़ा आएगा। तो इस तरह अगर हम पर्सपेक्टिव से चेंज करें ऑर्थोग्राफिक में, तो ऑर्थोग्राफिक व्यू में हमारे पास कैमरा जो है जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे उनके साइज को सेम हमारे पास मैयर करेगा। इस तरह अगर हम इन दोनों क्यूब को सेलेक्ट करेंगे और जी प्रेस करेंगे और वाई, तो हम इन्हें यहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि हमारे पास कैमरा व्यू सिर्फ इतनी है। हम इसका स्केल भी बढ़ा सकते हैं, कैमरा पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे स्केल, ये हमारे पास स्केल है। हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम मुख्तलिफ रेजोल्यूशन वगैरह सेट कर सकते हैं, यानी 1600 अगर हम रखेंगे और वाई पर हम रखेंगे 1200, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास रेजोल्यूशन चेंज हो गई। और ये हमारे पास कैमरा प्रॉपर्टीज वगैरह है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, स्केल, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अब हम हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है हम इसे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में रखेंगे कैमरा की,